मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे 11 वचन रोज पढ़ो। मन में जो खिन्नता डिप्रेशन चल रही है वो धीरे धीरे 11 वचन पढ़ने से खत्म हो जाएगी। जब कभी मन में शंका आए तो रुक जाओ, थोड़ा ठहरो और प्रार्थना करो। प्रार्थना बहुत बलशाली होती है बच्चे। मन को मजबूत बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन इस कलयुग में नाम जप सबसे सरल तरीका है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि नाम जप करो। जिंदगी में कुछ भी बदलने के लिए वक्त लगता है, तब तक तुम अपना ध्यान रखो। ये परिस्थिति भी बदलेगी, धीरे धीरे बदल जाएगी, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना है। और ये ना भूलो कि सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि तुम्हारा ये बाबा तुम्हारे साथ ही है हर पल। मैं हर बार अपनी उपस्थिति का एहसास नहीं दिला सकता तुम्हें, लेकिन तुम ये जान लो और मान लो कि मैं हूँ और हमेशा रहूँगा तुम्हारे साथ। खुश रहो।